गाइस सबसे पहले तो तुम सभी का वेलकम और गाइस थैंक यू सो मच यार इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए। तुमने जो भी टाइटल और थंबनेल में देखा भाई वो बिल्कुल रियल है गाइस। मैं आज बताने वाला हूँ आपको वही चीज स्वैश। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, मुझे पता है आप लोग नए ही होंगे, तो गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो बस फाइनल यार इतने दिनों के बाद फ्लीट SMP का एक एपिसोड आया जिसमें गेमर फ्लीट भाई ने वहां पर एस्केप किया प्रिजन से। सो गाइस उसमें मैं आपको कुछ भाई हिडन डिटेल्स बताने वाला हूं जो आप में से बहुत ही कम बंदों ने नोटिस करी होगी। लास्ट वाले तो यार गाइस किसी ने भी नोटिस नहीं करी होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि भाई वो बंदा कौन था जिसने गेमर फ्लीट भाई की हेल्प करी। अगर आपको पता है तो अभी भाई पहले कमेंट में लिख दो, अगर नहीं पता तो वीडियो को आखिर तक देखो गाइस। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोग, मैं आपको दो क्लिप्स दिखाऊंगा, आप लोग इसमें कुछ नोटिस करना भाई, देखते हैं भाई आप लोग नोटिस कर पाते हो या नहीं। सो गाइस आप लोग पहले इन दोनों क्लिप्स को देखो। अच्छा ऐसे मजा तो आ रहा होगा तुम्हें, सेल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है यार, ये है ना। हाँ। सॉरी घर तुम्हारा घर घर, बाकी कोई दिक्कत हो तो बता देना ठीक है। कोई टॉयलेट ब्लॉक हो जाए तो दो दिन में ठीक करवाई दे। ले तो मैं लेके आया ही नहीं गुरु, तुम्हारे लिए तो अकेला बहुत हूँ। वो तब बोलना ना जब तू मेरे को पकड़ ले ठीक है। बोला था ना ऐसी कोई जेल नहीं बनी भाई जो मुझे। गाइस तुमने इन क्लिप्स को भाई अच्छे से और ध्यान से देखा होगा तुमने भाई एक चीज नोटिस करी होगी कि भाई यहाँ पर देखो गाइस पहले मतलब जब यहाँ पर रोनी भाई आए तो गाइस उनका नेम टैग नहीं दिख रहा है लिटरली, तुम लोग देख सकते हो। लेकिन गाइस दूसरी जगह जब वो नेदर में थे तो भाई उनका नेम टैग दिख रहा था, मतलब ये ग्लिच था क्या था कोई पता नहीं। सो गाइस यही थी फर्स्ट हिडन डिटेल। तो अपनी सेकंड हिडन डिटेल की तरफ चलते हैं। उससे पहले गाइस तुम लोग इस क्लिप को बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना भाई, तब भी तुम लोग ढूंढ पाओगे, नहीं तो नहीं ढूंढ पाओगे। तो गाइस आप लोग इस क्लिप को देखो जो हैं। अब ये क्या जगह है? अब क्राफ्टिंग टेबल ओके, बट इसको कर वहाँ पे कुछ तो है भाई, उसके अंदर गारंटीड कुछ। तो गाइस क्या तुमने नोटिस किया? अगर जिस बंदे ने ध्यान से देखा होगा ना गाइस वही बंदा नोटिस कर सकता है। अगर तुमने ध्यान से नहीं देखा तो कोई बात नहीं गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ उस हिडन डिटेल को। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देखो भाई, जैसे ही गेमर फ्लीट भाई उस क्या बोलते उस क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर गए तो वहां पर कुछ अजीब सी चीज आई, आप लोग देख सकते हो भाई। वो मतलब आइटम फ्रेम की तरह कुछ था, पता नहीं क्या था लेकिन आई। तो गाइस क्या आपने ये चीज नोटिस करी थी? बताना जरूर। और गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ भाई वो बंदा कौन था जिसने भाई गेमर फ्लीट भाई की मदद की विद प्रूफ भाई। तो गाइस अगर तुम लोग भाई फ्लीट SMP की वीडियो बहुत पहले से फॉलो करते हो तो तुमको पता होगा भाई जो नियो गॉड है वो भाई जब लिखता था कुछ भी नीचे तो भाई उसका मतलब ग्रीन में लिखता था, लेकिन गाइस जब उसे गुस्सा आता था तो भाई उसको रेड कर देता था, या फिर वो कोई वार्निंग देता था ना तब भी वो रेड कर देता था। तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई पहले जब उसने गेमर फ्लीट भाई को लिखा कि आई विल हेल्प यू तो गाइस उसने ग्रीन कलर में लिखा, लेकिन गाइस जैसे उसने आगे कुछ वार्निंग दी, वार्निंग टाइप तुम उसको कह सकते हो, तो उसने रेड कलर में लिखा भाई। लिटरली गाइस ये भाई नियो गॉड हो सकता है गाइस, मैं 100% तो कंफर्म नहीं हूँ लेकिन गाइस 50% हो सकते है भाई नियो गॉड ही होगा। सो गाइस आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना, क्या लगता है आपको गाइस कौन हो सकता है वो बंदा। और हाँ गाइस अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस बाय बाय, टिल देन टेक केयर।